सब्सक्राइब टू माई चैनल सर्चिंग द नॉलेज एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द वीडियोज नोटिफिकेशन। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स में डाटा की अरेंजमेंट कैसे होती है, क्या क्या टेक्निक्स अपनाए जाते हैं जिससे कि डाटा का अरेंजमेंट जो है वो अच्छी तरह से हो सके और बाकी उसको फर्दर यूज के लिए यूजफुल बनाया जा सके। अरेंजमेंट ऑफ डाटा, ये आया कहाँ से? डाटा को अरेंजमेंट जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के दो स्टेजेस होते हैं, एक होता है प्लानिंग स्टेज, एक होता है एग्जीक्यूटिंग स्टेज। तो जो अरेंजमेंट ऑफ डाटा है ये एग्जीक्यूटिंग स्टेज का एक पार्ट है। अरेंजमेंट ऑफ डाटा क्यों हमें जरूरी है? क्योंकि जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं या तो प्राइमरी सोर्स या फिर सेकेंडरी सोर्स, ज्यादातर प्राइमरी सोर्स का जो डाटा होता है वो बहुत ही हाफाजार मैनर में कलेक्ट किया जाता होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देख सकते हैं कि अगर आपको कोई बताए कि इस गांव के 1000 फैमिलीज हैं और इनका मंथली इनकम ये है, तो एक फैमिली का ये है, दूसरा फैमिली का ये है, तीसरा, तो इस तरह आप कुछ उस विलेज के इनकम के बारे में कुछ ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई बताए कि इसका इस विलेज का जो मंथली इनकम एवरेज इनकम है वो 2540 रुपए है, 2540, तो फिर आपको उस बारे उस विलेज के मंथली इनकम के बारे में कुछ प्रेडिक्ट करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल लिया हुआ है, मान 50 फैमिली के जो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन और उनके मंथली इनकम है, तो उस पर डाटा रिप्रेजेंट यहाँ पर किया गया है, उसी हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत सारा डाटा दिया गया है, तो इसको कुछ प्रेडिक्ट करना इस डाटा से कि कितने फैमिलीज के बच्चे नहीं है, कितने फैमिलीज के, यहाँ पर मुश्किल है। तो अरेंजमेंट ऑफ डाटा जो होता है उसको कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उस हिसाब से जब डाटा को अरेंज किया जाता है उसको क्लासिफिकेशन किया जाता है। इससे तीन टेक्निक से किया जाता है, एक होता है सिंपल एरे, एक होता है फ्रीक्वेंसी एरे और एक होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीन टेक्निक का यूज करके डाटा को अरेंजमेंट किया जाता है। तो पहला जो टेक्निक होता है वो है सिंपल एरे। सिंपल एरे को अरेंजमेंट करने के लिए दो टेक्निक का यूज करते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को सजाया दिया जाता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर देखिए जो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, 3, 5, 7 मतलब बढ़ते क्रम में सजाया जाता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, 10, 9, 8, 7 इसमें घटते क्रम में सजाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर 0, 0 जितने बार आया है पहले 0 आ गया फिर 1 आ गया, तो ये यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर सजाया गया है। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी आ रहा है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या किया जाता है, जो डाटा होता है उसको रिपीट नहीं किया जाता है। वहां पर जैसे कि हमने देखा कि 0 को बार बार रिपीट किया जाता था, 1 को बार बार रिपीट किया जाता है, वैसा नहीं। गिन लिए हमारे 5 फैमिलीज के 0 बचे हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी हो गया 5, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो उसका फ्रीक्वेंसी होता है, तो उसको उसके साइड में फ्रीक्वेंसी एज फ्रीक्वेंसी लिख दिया जाता है। जब डाटा बहुत ज्यादा होता है तो हम टैली बार का यूज करते हैं। टैली बार का यूज करने से हमें कैलकुलेशन में इजी होता है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा डाटा होता है, 12 ऑब्जर्वेशन हो या फिर 25 फैमिलीज का नंबर हो, तो वहां पर क्या किया जाता है कि टैली बार का यूज किया जाता है। टैली बार में हमें कैलकुलेशन में इजी होती है। टैली बार के लिए हमें जैसे कि मान लीजिए कोई एक ऑब्जर्वेशन हमने लिया तो एक बार खींच लिया, उसके बाद दूसरा ऑब्जर्वेशन लिया तो दूसरे बार खींच लिया, तीसरा ऑब्जर्वेशन लिया तो तीसरा, चौथा ऑब्जर्वेशन लिया तो चौथा, ऐसे में जब पांचवा आता है तो हम एक क्रॉस लाइन कर देते हैं। इससे क्या होता है कि कैलकुलेशन में इजी हो जाता है। उसके बाद जब जो नंबर आएगा, जैसे कि क्रॉस के बाद एक लाइन आया यानी कि हम जान जाते हैं 6 है, क्रॉस के बाद 2 लाइन आया तो हम ये जान लेते हैं कि 7 है। तो इस तरह के जैसे कि हमने यहाँ पर देखे तो यहाँ पर 2 क्रॉस लाइन है यानी 5, 5, 10 और उसके बाद 2 है यानी 12। ऐसे ही 2 क्रॉस लाइन के बाद 4 लाइनें हैं, 4 बार है तो या फिर ये हो गया 14। तो इसलिए कैलकुलेशन में इजी होने के लिए हम टैली बार का यूज करते हैं। जो कंटिन्यूअस और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी होता है वहां पर क्या, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 20, 40, ये कुछ डिस्क्रीट नंबर्स होते हैं। तो डिस्क्रीट नंबर जो होते हैं, जो जैसे कि किसी बच्चे के किसी फैमिली के, मान लीजिए अगर हम बोलते हैं कि यहाँ पर इसके 2.35 बचे हैं तो ये नहीं हो सकता, या तो 2 बचे हैं या फिर 3 बचे हैं। लेकिन जब बात इनकम की आती है तो यहाँ पर इस तरह का कैलकुलेशन किए जा सकते हैं, जैसे कि 2.35, तो जो पॉइंट में या फिर फ्रैक्शन में ऐसे कैलकुलेशन, ऐसे बहुत ऑब्जर्वेशन है जहां पर ऐसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस और ग्रुप फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो लोएस्ट और जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन होता है उसी को, उसके रेंज डिसाइड करने के लिए कुछ उसको छोटे छोटे क्लास इंटरवल में डिवाइड कर दिया जाता है। तो जब क्लास इंटरवल में उसको डिवाइड कर दिया जाता है, उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, उसका जो ऑब्जर्वेशन होता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया जाता है। तो ये उस तरह इस तरह कुछ होता है, जैसे कि 500 से 550 एक क्लास इंटरवल हो गया,
550 से 600 एक क्लास इंटरवल हो गया, तो उसके जो ऑब्जर्वेशन होते हैं उसके उसका फ्रीक्वेंसी हो। मेन क्वेश्चन जो हमारे सामने आते हैं कि कितने लिमिट, कितने क्लास इंटरवल करने हैं, उस क्लास इंटरवल के विड्थ कितने रखने हैं, क्या लिमिट रखने हैं उस क्लास इंटरवल के, तो ये क्वेश्चन का आंसर जानना हमें जरूरी हो। तो पहला क्वेश्चन जो आता है कि कितने जो जो क्लास है वो कितने इंटरवल होने चाहिए। ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है कि इतने ही होने चाहिए, लेकिन बस इस बात का ध्यान देना चाहिए कि बहुत ज्यादा ना हो या फिर बहुत कम ना हो। तो इसके लिए एक जो यूजेस है यूजेस के हिसाब से यूज किया जाता है कि 5 या 6 से कम हो, जो मिनिमम हो 5 या 6 से कम ना हो या फिर 20 से ज्यादा ना हो। इससे क्या होता है जो डाटा का जो है फिगर अच्छा रहता है, तो प्रेडिक्शन में इजी होता है, कैलकुलेशन में इजी होता है। तो जनरल जो फॉर्मूला का यूज किया जाता है वो होता है नंबर ऑफ क्लास इक्वल टू 1.3.322 इनटू लॉग 10 टू द एन टू द बेस 10। तो यहाँ पर पॉइंट है, जैसे कि इस फॉर्मूला में एक्सप्लेन किया गया है, जो जो हमने 50 फैमिलीज के नियत लिए थे, तो उसको डिवाइड जानने के लिए कि कितने क्लास इंटरवल का लिया जाता है, तो हमने क्या किया 1+3.322 इनटू जो लॉग 50 टू द बेस 10 का वैल्यू है वो पुट किया, तो हमें आंसर में 7 मिलेगा। तो एक्चुअली जो डाटा होता है वो 6.64 है, तो नियरली इक्वल विथ 7 हो गया, तो हम यहाँ पर 7 क्लास इंटरवल करेंगे। तो इससे क्या होगा जो हमारा डाटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक यूनिफॉर्मिटी। तो आप जानते हैं कि विड्थ कितना होना चाहिए। विड्थ जानने के लिए ऐसा जो जनरली क्या होता है, जब तक पॉसिबल हो तो जो विड्थ है वो हर क्लास इंटरवल के इक्वल होना चाहिए। जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो होता है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल को डिवाइड करके ये डिसाइड किया जाता है कि कितना विड्थ होना चाहिए। लेकिन इसके बाद तो ध्यान रखने बात यह होती है कि जो विड्थ होती है वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, ताकि 5 या कि 10 या फिर 15। इससे क्या होता है कि कैलकुलेशन में इजी होता है, मिड वैल्यू निकालना आसान होना चाहिए, और दूसरी बात जो यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी मतलब किसी क्लास इंटरवल में 10 ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, तो दूसरे क्लास इंटरवल का अगर जो फ्रीक्वेंसी है वो 7, 8 या फिर 12 आ रहा है तो भी ठीक है। अगर किसी क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी 10 आ रहा है और दूसरा क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी 40-50 आ रहा है, तो इस तरह का ये एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो मतलब नियरली इक्वल होना चाहिए, हालांकि इक्वल ना हो लेकिन नियरली इक्वल। तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि लिमिट्स क्या होने चाहिए। देखिए लिमिट इंटरवल के जो अपर लिमिट और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, उसे क्लास लिमिट कहा जाता है। जो लोअर लिमिट होता है वो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन के या तो इक्वल होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा या फिर उससे कम होना चाहिए, सॉरी या तो इक्वल होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए। जो अपर लिमिट होता है वो या तो अपर लार्जेस्ट जो ऑब्जर्वेशन है उससे इक्वल होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। बाकी ये जो लिमिट है या तो इक्वल टू जो लोअर लिमिट है वो तो इक्वल टू 0 होना चाहिए या फिर 5/10 का मल्टीपल होना चाहिए, और जैसे कि हमने बोला या फिर यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होना बहुत जरूरी है। तो ये लिमिट डिसाइड करने के लिए 2 मेथड का यूज किया जाता है, एक एक्सक्लूसिव मेथड और दूसरा यूज किया जाता है इंक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मेथड क्या होता है, इसमें क्या होता है जो जिसमें जैसे कि 500 और 550 के यहाँ पर क्लास इंटरवल का खत्म होता है, तो जो दूसरा जो ओपन जब होगा वो उसका जो क्लास इंटरवल होगा वो 550 से शुरू होगा या उस 550 के बाद 600। तो इसका जो एंड जहां पर होता है उसका ओपनिंग भी वही से, मतलब इसका जो अपर लिमिट होता है उसका उसके बाद का जो लोअर लिमिट वही होता है, उसके इक्वल होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि जो जो 550 जो नंबर होता है वो किस में आएगा, वो कौन से क्लास इंटरवल में आएगा। तो 550 जो है वो 500 से 550 के बीच में नहीं आएगा, इस क्लास इंटरवल में वो नहीं आएगा। वो किस में आएगा, 500 से 550 से 600 यानी कि दूसरे क्लास इंटरवल में आएगा। तो ये किस लिए, क्योंकि जो जैसे कि हमने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर बताया कि 500 से 550 मतलब 500 से ज्यादा जितने भी ऑब्जर्वेशन हो गए वो इसमें आ जाएंगे, लेकिन 550 के नीचे के 550 जो आएगा वो उसके दूसरे में आएगा। 550 से नीचे के सारे आ जाएंगे, 500 से 550 के नीचे के 500 बीच के सारे आ जाएंगे, लेकिन 550 उसके दूसरे में आएगा। लेकिन इंक्लूसिव मेथड में क्या होता है कि इसमें जहां पर खत्म होता है तो उसके एक स्टेप बाद ये स्टार्टिंग होती है इसका अपर लिमिट। इसमें क्या होता है 500 से 549, लेकिन इसका जो शुरुआत हुआ वहां पर एंड होता है 549 से, यहाँ पर स्टार्ट होता है 550 से। इसमें मिड वैल्यू कैलकुलेशन में क्या होता है कि जो एक्सक्लूसिव मेथड होता है वहां पर जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होता है उसका अरिथमेटिक मीन यूज किया जाता है, लेकिन इंक्लूसिव मेथड में क्या होता है उसमें +1 ऐड करके उसके बाद 2 डिवाइड किया जाता है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट में +1 ऐड करके उसके बाद 2 डिवाइड किया जाता है।
अब जानना है कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार तरह के होते हैं, एक होता है ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अनइक्वल क्लास वेट, तीसरा होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, चौथा होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? या तो अपर लिमिट या फिर लोअर लिमिट में कोई एक एंड ओपन हो, जैसे कि यहाँ पर बिलो 25 दिया गया है तो ये ओपन एंड है, यहाँ पर 25 के नीचे के जितने भी नंबर से वो जितने भी ऑब्जर्वेशन है वो सारे आ जाएंगे। वहां पर दिया गया है 50 एंड अबव, तो 50 या तो 50 तो आएगा उसके साथ जो 50 के ऊपर जितने भी ऑब्जर्वेशन है वो सारे आ जाएंगे, तो इसे एक ओपन, यहाँ पर दोनों एंड ओपन है। अगर एक भी ओपन होता है, यहाँ पर अगर बिलो 25 लिख के 50 से 60 होता तो भी एक ओपन एंड। अनइक्वल क्लास विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? यहाँ पर देखिए जो 20, 25, 25, 30 इसमें यूनिफॉर्मिटी है, 20 से 25 के बाद 5 उसका डिफरेंस 5 है, 25 से 30 में डिफरेंस 5 है, लेकिन 30 से 40 जो है उसका डिफरेंस 10 है, तो इसमें इक्वालिटी नहीं है, इसे अनइक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। तीसरा जो होता है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि कितने फैमिली ऐसे हैं, तो अगर क्वेश्चन ऐसा है कि इतने फैमिली जैसे जिनका इनकम 700 से कम है, या फिर कितना फैमिली ऐसे हैं जिसका जिनका इनकम 600 से ज्यादा है, ये जानने के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना होता है, इससे आसान होता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जो पिछले का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो नेक्स्ट के साथ एड किया जाता है, जैसे कि लेस देन 500 का 550 का अगर फ्रीक्वेंसी 5 हो तो लेस देन 600 वो एड किया जाता है, दोनों 5 और 6 एड हो गया वो 11 हो गया। उसी तरह 650 में क्या हुआ, 10 को 10 हो गया फ्रीक्वेंसी, तो तीनों का ऐड करके 21 हो गया, तो इसमें ऐड हुआ जाता है। अगर मोर देन की बात करें, अगर मोर देन की डिवाइड है तो इसमें क्या है, नीचे से काउंट किया जाता है, जो मोर देन 800 मान लीजिए 3 ऑब्जर्वेशन है तो उसके बाद क्या होता है मोर देन 700, तो वो इसके साथ इसका जो मोर देन 750 है, मोर देन 750 मोर देन 800 के साथ ही आएगा, तो जितने जिनका इनकम मोर देन 750 है उनका इनकम मोर देन 800 भी है, सॉरी मोर देन 750 है 800 है उनका भी इनकम मोर देन 750 है, तो इसमें 3 और 5 को ऐड किया जाएगा, तो इसी तरह ऊपर की तरफ ऐड होता जाएगा। तो देखिए लेस देन में नीचे की तरफ ऐड होता जाता है और मोर देन में ऊपर की तरफ ऐड होता जाता है। लास्ट में आता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम फ्रैक्शन या परसेंटेज में एक्सप्लेन करते हैं। फ्रैक्शन में एक्सप्लेन करने के लिए क्या होता है, हम जो क्लास इंटरवल का जो होता है फ्रीक्वेंसी उसको हम टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं, इससे फ्रैक्शन निकल जाता है, और उसको अगर 100 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा परसेंटेज निकल जाता है। तो ध्यान रखने बात यह होती है कि जो इसका टोटल जो फ्रैक्शन का जो ऐड होता है वो 1 होना चाहिए, और टोटल जो परसेंटेज का अगर मिला दे वो 100 होना चाहिए। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ये जो डाटा दिया गया है इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपको लेस देन और मोर देन के हिसाब से आपको डाटा को अरेंज करना है। इससे क्या होगा कि आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, जो आपने अभी अब जो आपने सीखा वो आपको याद रखने के लिए आसानी होगी। तो ये वीडियो अगर आपके लिए आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।